से जब से भी काम शुरू किया तो मैंने फील किया कि मैं एज ए पाकिस्तानी इस फील्ड के अंदर ये मेरा पैशन बन गया कि मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे घर ले कर दूँ उनको अच्छी डील्स करवा के दूँ और डे बाई डे उसी को मुझे रिकगनाइज होता गया और मैं डे बाई डे उस रिकगनीशन को देखते हुए और मेहनत की तरफ चलता गया ये नादरी ये बहुत ही माशा एक बड़ी खुशाइन बात है लेजेंड्रीज खेल इन ड्रीम एक्स इज़ वेरी कम्पटिव मार्केट लाडअप कम्पटिशन बहुत बड़ बड़ गुरु बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए हैं बड़े चैम्पियन बैठे हुए हैं और उसके अंदर एक देसी फेस आके अपना एक मुकाम हासिल करें इस काबिल सतश और काबिल फ़खर है और मैं समझता हूँ कि आप शाहिद साहब से डील करें माशा मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये कामयाब है ये भी आपको कामयाबी किताब पे गामदन करेंगे और इट्स वेरी गुड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट आई थिंक पूरी नेशन जो भी आपको देख रहा है इस वक्त टी वी पर वो प्राउड करेगा वो अपने बच्चों को बताएंगे देखें जी कमिंग फ्राम थर्ड वर्ल्ड कंट्री फ्राम पाकिस्तान और यहाँ कैनेडा में इस कंपटिटिव मार्केट में आप एक अपना मुकाम बना रहे हैं और जितने भी आर्टिकल फीचर आपके बारे में आए हैं मैगजीन में डेफिनेटली एक ट्रू स्टोरी आपकी जी बिल्कुल यू यू नो कम टू अमेरिका विद वेरी लिटिल मनी एंड यू विद गैस स्टेशन दैन एयरलाइन की जॉब और ये सब कुछ करते हुए आपने रियल इस्टेट को अपना एक हदा बनाया और ये ज़रूरी देखें आ, याद रखें कि दुनिया में जो है रोटी कपड़ा और मकान इंसान को रोटी चाहिए डेली कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए ठीक है और आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपने उसमें सेलेक्ट कर दी कि भाई मकान इंसान की ज़रूरत है क्या ख्याल है आपका मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि रोटी कपड़ा मकान इंसान की बेसिक नीड्स में आता है और मैंने इसीलिए ये प्रोफेशन चूज़ किया कि मैं इनशाला इसके अंदर अपने मुल्क की और अपने लोगों की जो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं जो कैनेडा में आते हैं उनकी खिदमत करूँ कि उनको अच्छे से अच्छा घर ले दूँ उनको अच्छा से अच्छा गाइड करूँ और उनको अच्छे से अच्छे, अच्छे अप्रीशिएटेबल हाउस की तरफ लेके जाऊँ सो यू आर नाट डीलिंग विद हिम एज पर्सन और ब्रोकर एजेंट you dealing with the community as a consultant and as an advisor. and behind that, you're making a sale. Bilkuseva. thank you. very good. thank you very much, sir. ख्वाज साहब ये तो आपकी माशा तरक्की आपके अवार्ड्स आपकी रेकनीशन माशा काबिल फ़्र है और आप काफ़ी बिजनेस मैन लाइक हैं और ऐसा लगता है कि ये आपका एक पैशन है बिजनेस 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 और इतनी कम उम्र में इतने पैसे बना के आप करेंगे क्या अभी तो आप तो सिंगर हैं आई डोंट नो वेयर दिस मनी गो न अच्छा बड़ी खुशी की बात है पैसे बनाना अच्छी बात है लेकिन फिर आपकी जो सोशल लाइफ वो क्या है हाउ डू यू वर्क आउट योर सोशल लाइफ मेरी सोशल लाइफ जो है वो तकरीबन समझ लें रात को नौ बजे के बाद शुरू होती है अच्छा। मेरे है। दोस्त मेरे बाप सब जानते हैं कि सुबह नौ से रात नौ जो है वो शायद ख्वाजा का वर्किंग आवर्स है ठीक है और रात नौ बजे के बाद मेरा सोशल सेटअप शुरू होता है कि मेरे दोस्त हैं हम उनसे मिलते हैं डिनर पर जाते हैं कभी यहाँ पे फूड कॉर्नर देसी कॉर्नर के नाम से कभी उधर चले जाते हैं सैंडविच खाने अच्छा अच्छा तो आच्छा, ये कि पूरा सोशल लाइफ भी है और इससे बढ़ के बात ये है कि मेरी सोशल लाइफ जो है वो मेरे क्लाइंट्स ही मेरी सोशल नेटवर्क है आच्छा, आच्छा, है अच्छा अच्छा ठीक क्योंकि अब सारा दिन हम लोगों से मिलते हैं उनको उनसे बात चीत होती है एक किस्म के कि उनके घर के मेम्बर बन जाते हैं तो बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है हमारे पास तो उसमें जितना टाइम उनका घर लेने का होता है दिखाने से लेके घर की चाबी दिलवाने तक का तो वही हमारे फैमिली मेंबर होते हैं अच्छा तो आपकी हॉबीज वगैरह भी है कुछ जी मैं सॉकर खेलता हूँ

से चलता हूँ जहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा जो पाकिस्तानी कैनिडियन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कैनेडा के अंदर किस तरह तक कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिकली इंटेक्चुअली साइंटिफिक जो बहुत न्यू आए इमिग्रेंट हैं उनको इस मुल्क में आते हुए दो से तीन साल लग जाते हैं mm -hmm. और एक वो लोग हैं जो बॉर्न कनेडियन है लाइक पाकिस्तानी है लेकिन बॉर्न कनेडियन है mm -hmm. तो जो पाकिस्तानी बॉर्न कनेडियन है वो तो माशा से काफी है जस्ट लाइक अटीड सिस्टम वो इसके अंदर पेनीट्रेट किए हुए और जो लोग पाकिस्तान से अभी आते हैं सिस्टम को समझते हैं और पाकिस्तानी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं इट टेक्स टाइम मेरा अपना जो विजन है वो यही है कि बींग मैं ऑलवेज़ कोई भी काम कर रहा होता हूँ तो मैं पाकिस्तानी कनेडियन को जहन में रख रहा होता हूँ कि जी ये मेरा प्राइम मोटिव है कि अगर मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ तो लोग मुझे एज ए पाकिस्तानी कनेडियन जानते हैं और मैं इस चीज़ को रिकमेंड भी करता हूँ अपने भाइयों को बहनों को और सब लोगों को कि पाकिस्तानी बींग ए पाकिस्तानी कनेडियन वी नीड मोर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कैनेडा कि अगर हम इस मुल्क में आए हैं तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम पाकिस्तान की याद के साथ साथ इनके भी डिफरेंट इवेंट्स में अफेयर्स में कंट्रीब्यूट करें जैसे हम फोर्टीन uh, अगस्त पाकिस्तान डे के लिए बहुत सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन हमारी कैनेडा डे के लिए क्या सेलिब्रेशन है ठीक है हम इनके जितने जो सिविक हॉलीडेज हैं उनको कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हम जिस नेबरहुड्स में रहते हैं जिन लोगों से मिलते हैं क्या सिर्फ हम पाकिस्तान की सोच रखते हैं या इनकी भी हम उनको इंजॉय करते हैं सेलिब्रेट करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जाने से पहले कोई खसूस मैसेज और पैगाम अगर आप हमारे नादर को देना चाहें एज ए यंग एंग फ्रॉम कैनेडा वेरी पाकिस्तानी कुछ कहना चाहेंगे जी मैं समझता हूँ कि मेरा जो मैसेज है तमाम अपने बहनों भाइयों के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल सिर्फ ये है कि आपको शुरू करने की देर है कि आप जो भी काम करें उसके अंदर ये सोचें कि वाई मी कि मैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे पास लोग क्यों आएंगे और जहाँ पे भी आप जाते हैं आप ये समझें कि लोग आपको देख रहे हैं और आपके जो भी जेस्टर्स हैं जो भी इंप्रेशन है जो भी काम है वो जितना भी आप मेहनत करते हैं असल में आप अपने लिए अपने घर के लिए और अपने मुल्क के लिए कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ ये कि जी जिस मैं एक इंडिविजुअल हूं और इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता तो मैं सबको ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां पे भी जिस शोबे में जिस डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन डालें और पाकिस्तान के लिए एक बेस्ट पाकिस्तानी बने ताकि हम लोग ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की पहचान है और हम लोगों को देख के ये डिसाइड करते हैं कि इनकी आने वाली पॉलिसीज़ कैसी होंगी जो लोग इन्होंने यहाँ पे इमिग्रेंट बुलाए वो बेशक अमेरिका में हैं कनाडा में हैं हमारा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है इन कंट्रीज़ की तरफ इन कंट्रीज़ को बनाने के अंदर और हमारी नेशन यहाँ पे सबसे लो क्राइम है विच इज़ द बेस्ट थिंग एयर बेस्ट थिंग इन एयर यहाँ पर मैं बैंकस में भी जाता हूँ वो कहते हैं भाई साउथ एशियन कम्यूनिटी पाकिस्तानी लोग रोटी खाएँ ना खाएँ मोर्गिज ज़रूर देते हैं सो इट्स अ वेरी गुड एंड प्राउड फॉर मी तो जब हम भी बैंक में जाते हैं तो लोग हमें यह कहते हैं कि जी नो no प्रॉब्लम आप लोगों का जो बैंक क्रप्सी रेट है जो पावर ऑफ सेल पे जाने का रेट है लो तो इट्स अ वेरी प्राउड फॉर मी तो ओवरऑल मैं यही अपने लोगों को कहता हूँ कि आप जिस भी शोबे में काम कर रहे हैं जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप अपनी नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बी गुरशाला आपके साथ होगा और अल्लाह तला हम सबके साथ हो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच वेरी ऑनर एंड आई मीटिंग विद यू एज अ यंग एंटरप्रेन्योर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कनाडा नो प्रॉब्लम और आपने जो है ना यहां का विजिट किया इंशाल्लाह आई होप टू सी यू मोस्ट ऑफ द टाइम हियर